हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी विद केवी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक DIY नाइट क्रीम। ये नाइट क्रीम हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और साथ ही हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बढ़ते हमारे वीडियो की ओर। तो देख लेते हैं कि इस नाइट क्रीम को हमें किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आप फर्स्टली ले लीजिए क्यूकुम्बर। क्यूकुम्बर हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आपको एक मीडियम साइज़ का क्यूकुम्बर लेना है। और कोशिश करिएगा कि जो क्यूकुम्बर आप ले रहे हैं खीरा, तो वो फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश क्यूकुम्बर में बहुत ही अच्छा जूस निकलेगा और जूस की ही ज़रूरत है हमें इस क्रीम को बनाने के लिए। तो आपको इसे पिल ऑफ नहीं करना है, छिलके के सहित आपको इसको क्रश करना है। अच्छी तरह से वॉश कर लें, क्रश करने से पहले। वॉश करने के बाद छिलके के सहित ही आप इसको अच्छी तरह से क्रश कर लें। क्यूकुम्बर जितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा उसमें से उतना ही ज़्यादा जूस निकलेगा। क्रीम को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जूस, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश क्यूकुम्बर लिया था। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मेरा इतना सारा जूस बनकर रेडी है। तो अब हम जूस को स्ट्रेन कर लेंगे एंड बाकी चीज़ों को हम एक साइड में रख देंगे। हमें इस क्रीम को बनाने के लिए सिर्फ जूस की ही ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की नहीं। तो मैंने यहाँ पर जूस को एक बाउल में कलेक्ट कर लिया है एंड अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें डबल बॉइलिंग करना है। तो मैंने गैस की फ्लेम पे एक बाउल में गरम पानी रख दिया है और अब हम इस जूस को इसमें रखेंगे डबल बॉयलर करने के लिए। एंड मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च। कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कॉर्नस्टार्च आपकी ऑयली स्किन से ऑयल को रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इस जूस के गर्म होने से पहले ही आप कॉर्नस्टार्च इसमें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्स ना आ जाए। आपको इसे 2 से 5 मिनट तक इसी तरह से बॉयल करना है एंड आप देखेंगे कि जब ये 2 से 5 मिनट बॉयल होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ डिफरेंट हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का क्रीम एज अ सीरम बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे कि इस क्रीम के बेनिफिट को हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो यहाँ पर एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का क्रीम हमें मिल चुका है। इसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ EVN 400 वाली विटामिन ई की गोली, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। विटामिन ई की एक गोली को पोक करके मैंने इसके स्ट्रैक्स को इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, 1/2 टेबल स्पून ग्लिसरीन। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं और 2 विटामिन ई की गोली ऐड कर सकते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। तो मेरी यहाँ पर ऑयली स्किन है इसलिए मैंने इनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखा है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी का क्रीम एज अ सीरम बनकर रेडी है। जिस कंसिस्टेंसी में मैंने यहाँ पर क्रीम बनाया है, इस कंसिस्टेंसी का क्रीम हमारी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है और इसके सारे बेनिफिट्स हमारी स्किन को मिल जाता है। इसलिए मैंने कुछ इस तरह का क्रीम बनाया है। अब आपको इसे एक छोटे से कंटेनर में स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर मैं एक क्लीन कंटेनर में इसे स्टोर करके रखूँगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करना है और आप इस क्रीम को 7 से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप दोबारा बना लीजिएगा। नाइट के टाइम में आप अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इस क्रीम को अच्छी तरह से लगा लीजिए। आपकी स्किन में ये क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा एंड हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये क्रीम। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।